अहम खबर आपको आगाह करते चले सरगोधा से, जहां निजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में व्हाइट कोट सरबंदी का इनेकाद किया गया। तफसीला जानते हैं सफदर खान की इस रिपोर्ट में। सरगोधा में न्यासी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के जरिए तमाम 6 बैच के व्हाइट कोट सरबंदी का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें 100 से ज्यादा तलबा तालिबात ने अपने शोबा की तौकीर और तकद्दस को मलहूस रखते हुए दुख इंसानियत की खिदमत का हलफ उठाया। तकरीब से खिताब करते हुए वीसी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर एहसन वहीद राठौर, रीजनल हेड CPSP प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद असगर भट्ट, सदर सोसाइटी ऑफ सर्जन पाकिस्तान लाहौर चेयरपर्सन डॉक्टर अब्दुल गफूर न्याजी ने कहा कि शोबा सेहत दुनिया के दीगर शोबा जात में इसलिए नुमाया मुकाम का हामिल है कि इस शोबा से वाबस्ता अफराद बीमारी के अलावा हंगामी हालात में जिंदगी और मौत की कशमकश में मुबतला लोगों को इलाज और मुआवजा की सहूलियत फराहम करते हुए जिंदगी की तरफ लाते हैं। इस्लाम में इलाज की खसूसी अहमियत है और अल्लाह ताला ने इंसान को जो हकूक दिए और उनमें हक साब बहुत अहम है, इसलिए हमें अपने शोबे की अहमियत को मुकदम रखते हुए अवाम को हर मुमकिन तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए हकीकी किरदार अदा करना चाहिए, ताकि हम अपने शोबा के हकूक भी कर सकें इस और लोगों की हकीकी खिदमत करते हुए रब करीम की रजा का हसूल भी मुमकिन बना सकें। उन्होंने कहा कि मेडिकल के तलबा तालिबात को यह भी जहन में रखना चाहिए, इस सफेद कोट के तकद्दस के साथ आज उठाए जाने वाले हलफ की पासदारी करते हुए आपको जिंदगी भर खिदमत इंसानियत के लिए हर अव्वल दस्ता किरदार अदा करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि मेडिकल के तालिबे इल्मों को यह जहन में रखना चाहिए कि इनकी कामयाबी इनके वालदैन के ख्वाबों में हकीकत के रंग भरेगी। इन ख्वाबों की तामीर से हम किनार करने के लिए दुरुस्त सिमत में सफर जारी रखना होगा, तभी कामयाबी उनके कदम चुमेगी। सफदर खान, बिग न्यूज, सरगोधा।